Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और बाबा की सरकार में माफियाओं पर लगातार बुलडोजर चल रहा है और जो गुंडे हैं उन पर लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा कस रहा है। लेकिन इस कड़ी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के करीब एक नेता आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को गुंडा का सरदार बता दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बाबा का बुलडोजर कब चलता है। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है, कौन वो है नेता जो अपने आप को सरदार गुंडा का बताते नजर आ रहा है। दरअसल बात करें तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाष पक्के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। राजभर ने एक ऐसा बयान दिया है कि एक बार फिर से हाहाकार मच गया है, जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बने हुए हैं। रविवार को देवरिया में ओम प्रकाश राजभर ने खुद को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा गुंडा बता दिया। ओम प्रकाश राजभर का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। रविवार को ओम प्रकाश राजभर देवरिया जिले पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने अमित राजभर के परिजन से मुलाकात किया था, साथ ही उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। बता दें कि अमित राजभर नामक युवक की पड़ोसी गाँव के दबंगों ने मामूली बात पर पिटाई की थी। इसके बाद इलाज के दौरान उस लड़के ने दम तोड़ दिया था। राजभर बोले, हमें तहरीर पड़ी है पुलिस बढ़िया कार्रवाई की। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हमने तहरीर पड़ी है, मुकदमा देख लिया है, पुलिस ने बढ़िया कार्रवाई की है, सभी को अरेस्ट कर लिया है, अब न्यायालय अपना काम करेंगे। इसमें भले ही कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं उनके बहकावे में न आए। इस दौरान किसी ने यह कह दिया कि भय का माहौल है, विपक्षी लगातार पीड़ित परिवार को धमकी दे रहे हैं। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रदेश ही नहीं देश में सबसे बड़ा गुंडा कौन है, सभी माफिया राजभर को सलाम करते हैं। मीडिया ने ओम प्रकाश राजभर से इस बयान को लेकर यह सवाल किया, इससे आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके जवाब में राजभर ने कहा कि कल तक जो गुंडई करने वाले लोग थे वो आज ओम प्रकाश राजभर को शैलूट मारते हैं। दरअसल मामला क्या है, बता दें कि दौरिया के थानालाल क्षेत्र के ग्राम धधवार मठिया में 29 मार्च को प्रभुनाथ राजभर के बेटे अमित राजभर नाम के युवक को पड़ोसी गांव के दबोंगों ने मामूली बात पर पिटाई की थी। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया था और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रदर्शन भी किया था। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद ये बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है कि वो खुद हम सबसे बड़ा गुंडा है। बाकी ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।